देसी ठर्रा हो, ब्रांडेड रम या फिर शाम की चाय, तीनों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है और वो है अपनी नमकीन। आप माने या ना माने, मगर दारू के साथ अगर चखने में नमकीन मिल जाए तो उसे शाम का अलग ही मजा होता है, और चाय के साथ नमकीन ना मिले तो फिर चाय पीने का क्या ही फायदा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेहमान घर पर आते थे तब मम्मी मुझे चुपके से दुकान से नमकीन लाने को कहती थी। इसलिए बचपन के नॉस्टैल्जिया को फील करते हुए मिस्टर टेकबुल पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो प्रोसेस, जिससे आप जानेंगे कि कैसे मामूली सी पीली दाल बदल जाती है चटपटी और झालदार नमकीन में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमकीन बनाने की शुरुआत होती है बेसन से, और बेसन बनाने के लिए यूज किया जाता है चने की पीली दाल और हरे हरे मोठ का। चने की दाल और मोठ को परफेक्ट रेशो में मिलाकर बेसन बनाने के लिए उसे इस बड़ी मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन ठीक वैसी ही है जैसे राहुल गांधी ने बताई थी, बस फर्क इतना है कि इस मशीन में दूसरी तरफ से पीला सोना नहीं बल्कि पीले रंग का बेसन निकलता है। बेसन बनकर तैयार हो जाने के बाद अब इस सब बेसन को चखने के लायक चटपटा बनाने के लिए इसमें मसाले मिलाए जाते हैं। नमकीन के मसालों में गरम मसाला, नमक, हल्दी, धनिया और लौंगी मिर्च को पीस कर मिलाया जाता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नमकीन को तीखा करने के लिए उसमें लाल मिर्च की जगह लौंगी मिर्च के पेस्ट को मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल मिर्च में सिर्फ तीखापन होता है, जबकि लौंगी मिर्च में तीखेपन के साथ साथ हल्का चटपटेपन का एक अनोखा स्वाद भी होता है, जो नमकीन को खाते टाइम आपने भी महसूस किया ही होगा। अगर नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद एक नमकीन का ट्राई जरूर देना। जब सभी मसालों को सूखे बेसन में मिला लिया जाता है तब बारी आती है बेसन में पानी मिलाकर उसे गूंथ कर उससे बेसन की पतली पतली और लंबी लंबी नमकीन बनाने की। बेसन को इन पतले नमकीन में बदलने का काम ये ऑटोमेटिक मशीन करती है। इन ऑटोमेटिक मशीनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये कुछ मिनटों में कच्चे नमकीन के ढेर लगा सकती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इन मशीनों से इस नमकीन को सीधा तेल से भरी हुई कढ़ाइयों में ही निकाला जाता है, जहां इन्हें फटाफट तल भी लिया जाता है। हालांकि ये सभी काम पहले हाथों की मदद से किए जाते थे, इसकी भी एक बड़ी ही रोचक कहानी है जिसे हम कभी और बताएंगे। हाँ, अगर आपको ये सब अभी जानना है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो उस कहानी के ऊपर बनाकर आपके लिए ले आएंगे। बहरहाल नमकीन पर वापस लौटते हैं। जब सभी बेसन के डो से नमकीन बना ली जाती है तब इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारते हुए पैकिंग लॉट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां से इन सभी नमकीन को अलग अलग डिमांड के हिसाब से अलग अलग साइज के पैकेट में पैक कर लिया जाता है। अलग अलग पाउच में पैक करने का ये काम पैकिंग की ऑटोमेटिक मशीन करती है, जिनकी स्पीड एक मिनट में 40 पैकेट को पैक करने की होती है। पैकिंग लॉट से निकलने के बाद इन सभी छोटे छोटे नमकीन के पैकेट्स को एक बड़े से कार्टन में पैक कर कार्टन्स पर बार कोडिंग करके सभी कार्टन्स को ट्रक में लोड करके भेज दिया जाता है देश विदेश में शाम की चाय या दारू को और भी मजेदार बनाने के लिए। नमकीन के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आप हमारी अगली हाउ टू मेड वीडियो किस पर देखना चाहते हैं, आप बेझिझक होकर हमें कमेंट्स में बता दीजिए, और मिस्टर टेकबुल आपके लिए अगली वीडियो उस प्रोडक्ट की ले आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।